प्रिया धीर, रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी राजकोट पहुंचे, जनसभा में बोले, जब भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही होती है तो विपक्ष सरकारी संस्थाओं को बदनाम करता है। नीतीश कुमार पर अमित शाह का हमला, बोले, सत्ता के लिए पाला बदलने वाले कुर्सी पर बैठे हैं। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का मेला ग्राउंड में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। सीएम केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में बदली जाएगी 40 साल पुरानी भागीरथी प्लांट की पाइपलाइन। दिल्ली में आदर्श नगर के होटल में महिला से मारपीट करने वालों में एक राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल निकला। यूपी के अलीगढ़ में 103 अवैध मदरसे मिले, शासन को भेजी गई रिपोर्ट। राज ठाकरे का बड़ा ऐलान, बीएमसी चुनाव में अकेले उतरेगी उनकी पार्टी एमएनएस। आदित्य ठाकरे का शिंदे गुट पर निशाना, बोले, 40 गद्दार हमारा नाम छीनने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीएसएफ जवानों ने सीमा से एक बांग्लादेशी तस्कर को किया गिरफ्तार। 50वें सीजीआई होंगे जस्टिस दिवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस यूयू ललित ने सरकार को भेजा नाम। मुंबई से जबरन वसूली के मामले में दाऊद इब्राहिम गिरोह से जुड़े 5 सदस्य हुए गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सौम्य चौरसिया समेत कई अफसरों के घर पर छापे। सूर्य ढाल तलवार और पीपल का पेड़, शिंदे गुट ने इलेक्शन कमीशन को चुनाव चिन्ह के लिए विकल्प दिए। सेंसेक्स में 220.86 अंक की गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, निफ्टी भी 68.05 अंक लुढ़का। डॉलर के मुकाबले 6 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 82.34 के स्तर पर पहुंचा। यूएनजीए में भारत ने यूक्रेन के प्रस्ताव को लेकर रूस की मांग के खिलाफ की वोटिंग। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।